बड़ी बड़ी पेशियों के हवाले से कल शहर का अहम तरीन दिन, शहबाज शरीफ को रिमांड मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। अहद चीमा और फवाद हसन फवाद भी एहतसाब अदालत पेश किए जाएंगे। खाजा बरादरान को भी कल नैब ऑफिस में तलब किया गया है। शहबाज शरीफ से एहतसाब अदालत पेशी से कबल नैब लाहौर के सवालात। आपको मालूम है कि पैरागॉन का ताल्लुक वादा साद रफीक से है। सवाल, शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद सवालात पर लाइवली का इजहार किया। पीएलडीसी बोर्ड के किसी मेंबर ने आपको कासा डेवलपर्स और पैरागॉन का ताल्लुक बताया? सवाल, किसी ने रिश्वत ली? मुझे नहीं मालूम। शहबाज शरीफ का जवाब, आसियाना स्कैंडल में बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दिया। साबिक वजीर आला पंजाब, कल नैब की जानिब से शहबाज शरीफ की मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब में गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत पेशी। हमजा शहबाज की जेर सदारत मॉडल टाउन में लीगी अरकीन असेंबली का अहम इजलास। तमाम अरकीन अपने साथ कारकुनों को लेकर कल एहतसाब अदालत पहुंचे। हमजा शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत कबलज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नसफी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। पैरागॉन सिटी हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तारी के डर से ख्वाजा बरादरान ने हाईकोर्ट से रजू किया था। नैब ने कल ख्वाजा बरादरान को तलब कर रखा है। जौहर टाउन का कब्जा माफिया मंशा बम डिफ्यूज। मंशा बम को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट अहाता इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मंशा बम गिरफ्तारी देने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सदर डिवीजन पुलिस मंशा बम को लाहौर लाने के लिए रवाना। पंजाब में पुलिस का कमांडर तब्दील। अमजद जावेद सलीमी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुसूसी तकरीब। नए आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमजद सलीमी सलामी के चबूतरे पर तनहा। फारिग होने वाले आईजी मोहम्मद ताहिर दफ्तर में बैठे रहे, रवायात से हटकर अपने पेशों का इस्तकबाल किया, ना ही तकरीब में शिरकत। मोहम्मद ताहिर ने तकरीब में शिरकत ना करके बहुत से सवाल को जन्म दे दिया। अफसरान को लगाना और हटाना हुकूमत का काम है। हमारा काम खिदमत करना है। मौजूदा हुकूमत पुलिस में इस्लाहात चाहती है। आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखकर इस्लाहात लाएंगे। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की ओहदे का चार्ज संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगु। बोले, मंशा बम जैसे बहुत से बम हैं, सबको गिरफ्तार करेंगे। पंजाब का जमीनी बजट साफ पानी में 12 अरब का इजाफा। फूड अथॉरिटी के बजट भी बढ़ा दिए। लाहौर न्यूज ने अहम मंसूबों के लिए मुख्तस रकम का खोज लगा लिया। सेहत के लिए 2,84,58 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब फूड अथॉरिटी का बजट 4,63 करोड़ से बढ़ाकर 7,33 करोड़ कर दिया गया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 1,34,37 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट अगले 8 माह के लिए पेश किया जाएगा। स्मोक के मामले पर भट्टू में इंटू की बंदिश का मामला। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत आला सतह का इजलास। मुशीर वजीर आजम अमीन असलम की कयादत में कमेटी बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार कहते हैं, जल्द एयर मॉनिटरिंग के लिए खसूसी मोबाइल लैब फंक्शनल हो जाएगी। स्मोक के हवाले से दफा 144 के नफाज पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। साबिक आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर की भी वजीर आला से मुलाकात। उस्मान बुजदार का मोहम्मद ताहिर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। स्वेनियर भी दिया। हुकूमती इंसाफ के दावों का फूल खुल चुका। लीगी कारकुनों पर तशद्दुद के बाद उल्टा मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। अस्पताल वाले भी जख्मी कारकुनों की रिपोर्ट जारी नहीं कर रहे। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी की नस्बत रोड आमर। जख्मी कारकुनों की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मंसूबों के सिर्फ फीते नहीं काटेंगे, अमली काम होगा। पंजाब के हर जिले में सफाई सुथराई का बेहतरीन मैकेनिज्म लाएंगे। काम बोलेगा, पंजाब में जो कर सकते हैं करके दिखाएंगे। महकमे बल्दियात के अक्सर शोबों में प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएंगे।
सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की महकमा बल्दियात के अफसरान को खुसूसी इजलास में हिदायत। इंसानी खिदमत के इदारे रेस्क्यू 1122 के कयाम पर आज भी फाकर है। महकमे में जो कमी रह गई वो तरजीही बुनियादों पर पूरी करेंगे। चौधरी परवेज इलाही यकीन दिलाते हैं तमाम रेस्क्यू अमला नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएगा। इंसानी खिदमत का मिशन कामयाबी से जारी रहेगा। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नजीर रेस्क्यू 1122 के अवामी खिदमत के 14 साल मुकम्मल होने पर तकलीफ से खिताब। तफ्तीश करो तजलील नहीं, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान की गिरफ्तारी और हथकड़ियां लगाकर पेश करने पर असातिज़ा और तलबा सड़कों पर आ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और तलबा की नैब के खिलाफ रैली। मुजाहिद कामरान की गिरफ्तारी के मामले पर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन में फूट। तंजीम के इजलास में असातिज़ा में तहकलामी, असातिज़ा दो धड़ों में तकसीम। एक एहतजाज करने का हामी दूसरे ने मुखालफत कर दी। एहतजाज करने वाले वही असातिज़ा हैं जो मुजाहिद कामरान के दौर में मुस्तफीद हुए। एक धड़े का मौका नैप ने ज्यादती की, जब तक माफी नहीं मांगी जाती एहतजाज जारी रहेगा। दूसरा धड़ा बच्चों की लड़ाई में बड़ा कत्ल। पिंडी स्टॉप के रिहायशी 50 साल मोहम्मद अकरम के कत्ल पर बुरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुजाहिरी ने टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। पुलिस की जानिब से मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरी ने एहतजाज खत्म किया। निहारी मुर्ख चने सिली पाए, जो बनाए साफ सुथरा बनाए वरना कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी का हफ्ता वार नाश्ता पॉइंट चेकिंग मुहिम का दूसरा रोज। 7 मारूफ नाश्ता पॉइंट सील कर दिए। मलिक निहारी, सनम मुर्ख चने, अलफजल कैपरी, फजल हक, चाचा चक्का फूड पॉइंट पर। खबरदार होशियार, हेलमेट की पाबंदी का होगा अब शहर भर में नफाज। लाहौर हाई कोर्ट ने हर सड़क पर हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने खिलाफ वर्जी पर अब तक होने वाले जुर्मानों की तफसीलात भी तलब कर ली। पानी का बहरान संगीन हो गया। पंजाब की नहरें कल से 15 रोज के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर शहर की नहरों को 31 अक्टूबर तक बंद किया जाएगा। काश्तकारों की मुश्किलात भी बढ़ने का इम्कान। इजनास की पैदावार कम होने का खतरा। फैसला रबी सीजन में पानी की तलब पूरी करने के लिए किया गया है। कंसल्टेंट इरीगेशन MH शदीकी। जैनब के कातिल मुजरिम इमरान की खानदान से आखिरी मुलाकात का परवाना जारी। मुलाकात कल दिन 12 बजे कोर्ट लखपत जेल में करवाई जाएगी। जैनब के वालिद मोहम्मद अमीन अंसारी का एक मरतबा फिर मुजरिम इमरान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान, मुजरिम को सरेआम फांसी के लिए अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद अमीन अंसारी, मुजरिम को सरेआम फांसी देने के लिए दायर दरख्वास्त सवाद के लिए मंजूर। हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी से कल वजाहत तलब कर ली। मिशन क्लीन लाहौर को स्टॉप लग गया। 5 रोज गुजर गए, ऑपरेशन दोबारा शुरू ना हो सका। आज लियाकत चौक, डेरा और नीलाम घर में होने वाला ऑपरेशन भी मुलतवी। जमनी इलेक्शन के बाद ऑपरेशन को आरसी तौर पर मुअत्तल किया गया था। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा, लाहौर समेत पंजाब के मजीद 10 शहरों को मंसूबे में शामिल करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्तें आइंदा साल के आगाज में वसूल की जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ मजीद 10 शहरों में तैयारी की जा रही है। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंसदाद खसरा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 15,000 टीम्स ने काम शुरू कर दिया। 1 करोड़ बच्चों को घर घर जाकर और तिबी मराकज में हिफाजती टीके लगाने का हद्फ। इससे बड़ी मुहिम पहले कभी नहीं चलाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद। काम चोरी की सजा, लंबे अरसे से ड्यूटी से गायब रहने वाले जनरल अस्पताल के 31 मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। मुलाजमीन में चौकीदार, वार्ड सर्वेंट, लिफ्ट ऑपरेटर और दीगर शामिल हैं। मुसलसल 2 साल गैर हाजिर रहने पर मुलाजमीन को फारिग किया गया। इंतजामिया
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जूम में ट्रैफिक वार्डन्स के लिए तरबियती प्रोग्राम, सीटीओ मलिक लियाकत और 800 से ज्यादा वार्डन्स की शिरकत। मारूफ अदाकार सोहेल अहमद बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब का हिस्सा बने। और मालूफ लोक गुलकार अताउल्ला ईसा खेल भी तबीयत खराब होने पर नेशनल अस्पताल मुंतकिल। गुलकार के पित्ते में पथरियां हैं, डॉक्टर्स कल ऑपरेशन करेंगे। जरा